नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक कमेंट्स आया था कि सर अमीन जो हैं वो महीने का कितना कमा लेते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक पर मतलब मुझे कुछ सोचना पड़ गया, क्योंकि देखिए अमीन जो है उनकी कमाई जो है इस पर निर्भर करता है कि आप महीने का कितना दिन काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपके फील्ड सर्किल में भी इसको मतलब इस पर भी मायने रखता है। अगर मान लीजिए आपका फील्ड बहुत बड़ा है, मतलब आपको बहुत दूर तक का आदमी जानते हैं कि आप अमीन हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप महीनों भर बुक रहेंगे और आपको मापी का काम मिलता रहेगा। और साथ ही साथ ये तो रह गई काम की बात, ठीक है ना। अगर हम बैलेंस की बात करें कि उनका पर डे का फीस क्या है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उनका जो है फीस होता है। जैसे अगर हमारे क्षेत्र की बात करें, बिहार में खगड़िया बेगूसराय इस तरह की बात करें अगर, तो 2,000, 2,500, 3,000 तक का एक दिन का फीस होता है अमीन का। और अगर हम कुछ गांव देहात की बात करें, कस्बे की बात करें, तो वहां पर जो है 1,000, 1,500 इस तरह से भी मतलब अमीन अपना फीस रख के काम करते हैं। तो डिपेंड इस बात पर करता है कि आपको महीने का कितना दिन का काम मिलता है और आपका फीस क्या है, उसके अनुसार आप महीने का इनकम कर पाते हैं, यानी महीने में आप कमा पाते हैं। तो दोस्तों अगर हम नॉर्मल सी मतलब ये बात करें कि अगर कोई भी साधारण अमीन भी है और ज़्यादा अगर नहीं भी उनके विषय में जान रहे हैं व्यक्ति, लेकिन फिर भी अगर कम से कम जो है 5-10 काम अगर महीने का वो कर लेते हैं, तो 10 से 15 हज़ार जो है महीने का वो कमा पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये प्राइवेट अमीन की बात है। और अगर सरकारी अमीन की बात करें तो उनका तो मतलब सैलरी रहता है, और अगर संडे को वो फ्री रहते हैं तो संडे का भी जो है सो माफी कर लेते हैं, तो संडे का भी उनका जो है इनकम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस तरह से है कि अमीन जो है कम से कम 10 से 15 हज़ार महीने कमा लेते हैं, और अगर जितना दिन वो बुक रहे काम करें उनका फीस जो है फीस के अनुसार अगर उसको मल्टीपल करें, तो उनका फिर होता है कि एक अच्छा खासा इनकम हो जाता है महीने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना